हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको किचन ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इन सभी ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ को फॉलो करके आप भी अपने किचन को नीट एंड क्लीन बनाए रख सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हैक जो है वो इस ऑर्गेनाइजर से रिलेटेड है। ये एक कॉर्नर स्टैंड है जिसे मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी है। ये मेटल स्टैंड है और इसे मुझे परचेज़ किए हुए 3 ईयर्स हो चुके हैं और अभी तक इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इस कॉर्नर स्टैंड को आप वॉल माउंट भी कर सकते हैं। इसमें इस तरह से पीछे अरेंजमेंट दिया गया है जिसमें आप नेल्स की हेल्प से इसे इजीली वॉल पे माउंट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे अपने काउंटर टॉप पे भी इजीली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। कॉर्नर स्टैंड का यूज़ करने से आपके किचन काउंटर टॉप का काफ़ी ज़्यादा स्पेस सेव हो जाता है और वो एरियाज़ जो कि आपके यूज़ में नहीं आते हैं उन्हें भी आप इजीली ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर पाएंगे। ये कॉर्नर स्टैंड काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इसमें इस तरह से 3 शेल्फ्स दिए गए हैं जिनमें कि आप अपना काफ़ी सारा सामान ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आपका किचन काउंटर टॉप काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। मैंने इस ऑर्गेनाइज़र को इस तरह से अपने किचन के कॉर्नर में ऑर्गेनाइज़ किया है। काउंटर टॉप में ये इजीली इस तरह से फिट हो गया है। अगर आप इसे काउंटर टॉप में ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसे इजीली वॉल माउंट भी कर सकते हैं। इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा स्पेस सेव हो जाएगा। इसे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ टी एंड शुगर कंटेनर्स का यूज़ किया है। इस कॉर्नर को मैंने बेसिकली टी एंड कॉफ़ी कॉर्नर की तरह यूज़ किया है। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे सिरेमिक बाउल्स हैं मेरे पास जिन्हें मैं अपने कॉफ़ी पाउचेस और ग्रीन टी पाउचेस को स्टोर करने के लिए यूज़ करूँगी। इस तरह से पाउचेस को इन बाउल्स में स्टोर करने से ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और साथ ही जब आपको इनकी ज़रूरत होती है तो आपको ये आसानी से मिल भी जाते हैं। ये बाउल्स स्टैकेबल हैं तो इन्हें आप इस तरह से एक के ऊपर एक रख कर भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इस तरह से साथ ही कुछ टी एंड कॉफ़ी मग्स को भी आप इस ऑर्गेनाइज़र में ईजिली ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आपका टी एंड कॉफ़ी कॉर्नर क्रिएट हो गया है। सिंपली एक ऑर्गेनाइज़र की हेल्प से भी आप अपने किचन काउंटर टॉप को नीट एंड क्लीन बना सकते हैं। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन हैक के लिए मैंने इस तरह का जो माइक्रोवेव स्टैंड होते हैं उसका यूज़ किया है। बेसिकली ये माइक्रोवेव स्टैंड हमारे कभी कभी यूज़ होते हैं और अदर टाइम ये ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो इन्हें आप इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका किचन काउंटर टॉप छोटा है तो आपको उसे मिनिमल वे में ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए जिससे कि आपके किचन की फंक्शनैलिटी भी बनी रहे और साथ ही साथ देखने में भी आपका किचन नीट एंड क्लीन लगे। इस टाइप का जो प्लास्टिक ऑर्गेनाइज़र है ये 4 शेल्फ्स में आया था जिन्हें कि मैंने हाफ हाफ करके यूज़ किया है। इसके 2 शेल्फ्स को मैंने यहाँ किचन में यूज़ किया है और 2 शेल्फ्स को बाथरूम में ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया है। इन शेल्फ्स को क्लीन करना भी काफ़ी आसान है और ये ऑर्गेनाइज़र आपके किचन में एक ब्राइटनेस भी ला देते हैं। प्लास्टिक ऑर्गेनाइज़र को मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी टाइम हो गए हैं मुझे इसे यूज़ करते हुए। केवल आप इसे वाइप ऑफ कर दें तो भी ये नीट एंड क्लीन लुक देता है। इसमें भी आप अपने किचन का काफ़ी ज़्यादा सामान ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। पुराने चॉपिंग बोर्ड्स को भी आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। इसे इस तरह से मैंने रोटी बनाने वाले चकला के नीचे रखा है। इससे जब भी आपको काउंटर टॉप को क्लीन करना होगा तो इसे स्लाइड करके आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने इस तरह से DIY एक कवर बनाया है जिससे कि आप इजीली इसे कवर करके रख सकते हैं। इसके लिए बेसिकली मैंने एक किचन टॉवल को यूज़ किया है और इसे फिटेड लुक देने के लिए इलास्टिक का यूज़ किया है। इस तरह से कवर करके रखने से आपका जो चकला है वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। आप चाहें तो कवर लगाने के बाद इसके ऊपर आर्टिफिशियल प्लांट भी डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका किचन भी नीट एंड क्लीन लुक देगा। प्लास्टिक बास्केट्स हमारे किचन ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। इस तरह की जो बास्केट्स होती हैं उन्हें आप अपने किचन टॉवल को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी होती है और इन्हें आप इजीली अपने किसी भी ड्रॉअर में ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इस तरह से आपके सारे किचन टॉवल एक जगह पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। किचन काउंटर टॉप में माइक्रोवेव को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप इस टाइप के माइक्रोवेव स्टैंड्स का यूज़ कर सकते हैं। इस स्टैंड को मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं उनमें आप ऊपर के साइड भी अपने अदर इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। बिग साइज़ बास्केट को भी आप अपने किचन में ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के बास्केट्स आपके किचन ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। इसमें आप काफ़ी ज़्यादा सामान एक साथ ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और इसे इस तरह से मैंने फ्रिज के ऊपर ऑर्गेनाइज करके रखा है जिससे कि ये देखने में
क्लटर फ्री लगता है। इस तरह से फाइनली मैंने अपने किचन को कुछ ऑर्गेनाइजर्स की हेल्प से ऑर्गेनाइज किया है। ये सभी ऑर्गेनाइजर्स हैं जो रेंटल फ्रेंडली हैं और इन्हें आप अपने रेंटेड अपार्टमेंट में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इनमें किसी भी नेल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो नेल्स के थ्रू भी इन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये सभी ऑर्गेनाइज़र मैंने जो परचेज़ किए हैं वो अमेज़ॉन से किए हैं और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आप चाहें तो इन्हें अदर साइट से भी परचेस कर सकते हैं। इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइज़र की हेल्प से किचन काउंटर टॉप बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक दे रहा है और साथ ही साथ ये बिल्कुल फंक्शनैलिटी इस किचन की बनी हुई है। आप चाहें तो कुछ प्लांट्स भी अपने किचन में ऐड कर सकते हैं, इससे ये देखने में और भी अच्छा लगेगा।